to you by Bank of India. नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। पिछले कुछ दशकों में बीमारू शब्द का इस्तेमाल अक्सर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लिए किया जाता रहा है, लेकिन ये शब्द आखिर आया कहाँ से? दरअसल 1980 के दशक में जनसांख्यिकीविद आशीष बोस ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में देश के चार बड़े राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा गया था। तभी से ये शब्द अक्सर राज्यों के संदर्भ में चलन में आया। बीमारू का हिंदी में मतलब होता है बीमार। इन राज्यों को आर्थिक विकास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य सूचकांकों के मामले में पिछड़ने के कारण ये नाम दिया गया था। इसके बाद इस शब्द का बार बार इस्तेमाल किया गया और इन राज्यों को गरीबी और बेरोजगारी का ताना दिया गया। लेकिन अब देश के बड़े कारोबारी घराने बिहार कूच करना शुरू कर चुके हैं। ये पैटर्न अब दिख रहा है। टाटा से लेकर अडानी तक सब बिहार में निवेश कर रहे हैं। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि बिहार में टोटल कितना निवेश आया है, बिहार में निवेश बढ़ने के पीछे के कारण क्या हैं। इसके अलावा ये भी समझेंगे कि बिहार औद्योगिक रूप से बीमारू राज्य की छवि से कैसे बाहर निकल रहा है। आइए शुरू करते हैं। तो टाटा से लेकर अडानी तक देश की बड़ी FMCG कंपनियों में शुमार ब्रिटानिया हो या फिर पेप्सिको या फिर देश की बड़ी हॉस्पिटल चेन में शुमार मेदांता हेल्थ केयर, ये सभी कंपनियां बिहार का रुख करते दिख रही हैं। वही राज्य जो कुछ साल पहले तक निवेश के मामले में पिछड़ा हुआ था। सरकारी अधिकारियों के अनुसार बिहार को पिछले 2 सालों में हजारों करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि बिहार को साल 2022 से 2024 के बीच 12,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिले हैं। ये रकम साल 2016 और 2022 के बीच मिले 2500 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा है। अब जानते हैं कि राज्य में कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं। तो पिछले महीने ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा में अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट्स की सहायक कंपनी अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड की 1600 करोड़ रुपए की सीमेंट ग्राइंडिंग कंपनी की आधारशिला रखी थी। वहीं अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट्स की तरह जेके सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट भी राज्य में अपना प्लांट लगा रहे हैं। इसके अलावा कई कंपनियों ने टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा, लेदर यानी चमड़ा, फूड प्रोसेसिंग और सीमेंट इंडस्ट्री में बड़ा निवेश किया है। टाटा ग्रुप के नेतृत्व वाली इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने पिछले साल जुलाई में पटना में 500 करोड़ रुपए की लागत से 124 कमरों वाला ताज सिटी सेंटर खोला था, जो राज्य का पहला 5-स्टार होटल है। इसी तरह पेप्सिको ने बेगूसराय में 500 करोड़ रुपए की लागत से अपना प्लांट खोला है। कंपनी बक्सर में भी दूसरी फैक्ट्री लगा रही है। फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी कंपनियों की बात करें तो वैशाली में दादी जी फार्मटेक और SBPJ फूड्स और पटना में प्रमोद कन्फेक्शनरी एंड फूड प्रोडक्ट्स और सोना बिस्किट ने बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग बनाई है। इसके अलावा राज्य में किए गए प्रमुख इन्वेस्टमेंट्स में पटना में जय प्रभा मेदांता अस्पताल का उद्घाटन भी शामिल है। नवंबर 2021 में CM ने इस अस्पताल का उद्घाटन किया था। इस अस्पताल की लागत 800 करोड़ रुपए है और ये अस्पताल 7 एकड़ की जमीन पर बना है। इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा, ज्यादातर निवेश प्रस्ताव कपड़ा, चमड़ा, सीमेंट और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में मिले हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने पहले जिला प्रशासन को 31 जिलों में नई औद्योगिक इकाइयां विकसित करने का आदेश दिया था, जहां पहले से ही औद्योगिक क्षेत्र हैं, लेकिन इन जिलों में जमीन नहीं बची है, इसलिए अब हमने उन 7 दूसरे जिलों में औद्योगिक इकाइयां बनाने को तरजीह दी है जहां कोई उद्योग नहीं है। ये 7 जिले हैं अरवल, जमुई, कैमूर, सारण, शिवहर, शेखपुरा और बांका। मिश्रा ने बताया कि राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बनाने के लिए 2 औद्योगिक क्षेत्रों कुमारबाग पश्चिम चंपारण जिला और नवानगर बक्सर जिला को चिन्हित किया है। इन स्थलों को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलना बाकी है। नवादा और मुजफ्फरपुर में संयंत्र स्थापित करने वाली अंबुजा सीमेंट के अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट भागलपुर और खगड़िया में, स्टार सीमेंट बेगूसराय और पटना में, जेके लक्ष्मी सीमेंट मधुबनी और बक्सर में और श्री सीमेंट मधुबनी और बेगूसराय में अपना प्लांट लगाने की घोषणा की है। वहीं बिहार उद्योग संघ के अध्यक्ष KPS केशरी ने कहा कि रेडीमेड कपड़ा, टेनरी और सीमेंट जैसे क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि एक अच्छा संकेत है, लेकिन बिहार का मुख्य आधार फूड प्रोसेसिंग है, क्योंकि राज्य के पास कच्चा माल है जैसे कि चावल, मक्का, मखाना, आलू, आम और लीची। अब राज्य में आ रहे धनादन निवेश के पीछे के कारणों को भी समझते हैं। सरकार का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था में आमूल चूल सुधार हुआ है, इस वजह से निवेशक बिना डरे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं।
हाल ही में राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने घोषणा की थी कि सरकार सभी निवेश प्रस्तावों को एडजस्ट करने के लिए कम से कम 5000 एकड़ लैंड बैंक बना रही है। इसके अलावा उसने राज्य के सभी 38 जिलों को प्राथमिकता के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र बनाने का आदेश दिया है। निवेशकों के लिए सरकारी जमीन खरीदने और लीज पर देने वाली राज्य सरकार की एजेंसी बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 साल में लगभग 7592 एकड़ जमीन लीज पर दी गई है, जबकि 2016 और 2022 के बीच लगभग 1550 एकड़ जमीन लीज पर दी गई थी। फिलहाल एजेंसी के पास केवल 1861 एकड़ जमीन ही बची है। सरकार का दावा है कि राज्य में बुनियादी ढांचे में भी काफी सुधार हुआ है। सरकार आने वाले दिनों में बुनियादी ढांचे पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हालांकि निवेशकों को राज्य में निवेश करने पर कुछ परेशानियों से भी दोचार होना पड़ रहा है। एक निवेशक ने एक्सप्रेस से बातचीत में कहा है कि सिंगल विंडो सिस्टम को और मजबूत बनाना होगा और प्रशासनिक सुधारों की भी और जरूरत है। आपको बता दें कि पिछले कुछ साल में बिहार सरकार ने फूड प्रोसेसिंग, आईटी, टेक्सटाइल, लेदर सेक्टर को उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र घोषित किया है। राज्य में सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, शुगर मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ सर्विसेज शामिल हैं। साल 2016 में राज्य ने क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति शुरू की थी। इस नीति को साल 2020 में और संशोधित किया गया था। इसके अलावा राज्य सरकार ने निजी निवेश बढ़ाने के लिए बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020, इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021, ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 और बिहार लकड़ी आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 को लागू किया है। 2022 में सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य में 3 आईटी पार्क निर्माणाधीन है, यानी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इसमें बिहटा में 33 एकड़ का आईटी पार्क, राजगीर में 110 एकड़ का आईटी पार्क शामिल है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए 3 चरणों का विकास किया जाएगा। पटना में भी 90,000 वर्ग फीट के प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र के साथ एक आईटी टावर शामिल है। आरबीआई और सीएमआईई के इकोनॉमिक आउटलुक के आंकड़ों का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी 5 सालों में 29% बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में करीबन 4.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बिहार भारत में लीची और मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक है। इन्वेस्ट इंडिया के आंकड़ों के अनुसार राज्य में पारंपरिक कपड़ा उद्योग है और यहाँ लगभग 3,66,000 बुनकर हैं। 2022 की नीति चमड़ा और कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ावा देती है। पिछले साल राज्य की राजधानी पटना में हुए 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान बिहार में निवेश के लिए 300 कंपनियों ने 50,530 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। इस साल भी बिहार बिजनेस कनेक्ट निवेश कार्यक्रम के जरिए सरकार करोड़ों रुपए के निवेश लाने की तैयारी कर रही है। इस बार बिहार बिजनेस कनेक्ट निवेश सम्मेलन 11-12 दिसंबर को होगा। हालांकि दूसरी ओर राज्य में पलायन और रोजगार की समस्या अभी भी काफी बड़ी चुनौती बनी हुई है। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीबन 3 करोड़ लोगों ने खुद को रजिस्टर कराया है। बहरहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।